हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के फोटो मैजिक ट्रिक्स। तो आज है हमारे साथ आर के, और जैसे कि आर के अर्शन ने हमें सिखाया कि हम लोग सीनरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं थ्रू पावरपॉइंट, तो अब आप हमें सिखाइए कि हम उसको एनिमेटेड कैसे कर सकते हैं या हम लोग एनिमेशन कैसे ला सकते हैं थ्रू पावरपॉइंट। हाय व्यूअर्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू फर्स्ट लेसन ऑफ एनिमेशन। इफ यू लिसन टू इट वेरी केयरफुली, पावरपॉइंट विल बिकम वेरी सिंपल फॉर यू एंड यू लर्न एनिमेशंस, व्हिच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनिमेशंस। अर्शन ने क्या क्या सिखाया था आपको सीनरी बनाने में? जैसे कि हम नेचुरली जब छोटे होते हैं तो हम लोग बनाते हैं सीनरी, तो माउंटेन्स, रिवर, बर्ड्स। अच्छा, ये जो मेरे को पीछे दिख रही है ये उसने बनाया? बिल्कुल बिल्कुल। अरे उसने वो ना गाड़ी भी नहीं बनाई और वो भी नहीं बनाया, वो मैं बनवा देता हूँ। अभी आप देख रहे हैं जैसे हम लोग बना रहे हैं, ऐसे करके आप गाड़ी भी बना सकते थे, ब्रिज भी बना सकते थे ओवर रिवर एंड व्हाट ऑल। लेकिन ये बनाने के बाद क्या लोग सोच रहे होंगे, ये सीनरी जैसे आपने कहा था कि मतलब सीनरी बच्चों का काम है ये है, बट वंस यू लर्न दिस हाउ टू स्क्रिबल, स्क्रिबल इज लाइक अ पेन, सो यू लर्न हाउ टू ड्रॉ इन पावर पॉइंट। और पावर पॉइंट में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपके पास जैसे फोटोशॉप में आपके पास रबर होता है, यू कैन रब इट, यू कैन नॉट रब इट, यू कैन जस्ट डिलीट इट। सो आपने स्क्रिबल करना तो सीख लिया। अब ये सब चीजें बनी हुई है, सब चीजें अलग अलग है। जैसे आप हर चीज को ले लें, माउंटेन अलग है, सन अलग है, बादल अलग है, बर्ड्स अलग है। अब ये पिक्चर को मैं अलाइव कर देता हूँ, तो अलाइव करने के लिए आप लाइक पूजा जैसे, शी इज अ वेरी गुड कथक डांसर, कथक में भाव होते हैं। मतलब अब आप बताइए मुझे भाव के तरीके से कि अगर सूरज आप उगाना चाहती हैं तो कैसे उगेगा? सूरज अगर उगाना चाहते हैं तो हम लोग ऐसे उगा सकते हैं, मतलब इट्स राइजिंग। हाँ, और कैसे राइज? आप बिहाइंड द माउंटेन्स करना चाहती हैं? बिल्कुल। अर्चना ने पीछे जो ये बिहाइंड द माउंटेन्स बनाया है सूरज, आप फिर से एक बार बताएंगे कैसे उगता है सूरज? प्लीज नोट, इनका हाथ नीचे से ऊपर जा रहा है, द मोशन इज फ्रॉम डाउन टू अप। पावर पॉइंट गिव्स यू द पावर। आप एनिमेशन में जाइए, एड एनिमेशन में जाइए, मोशन पाथ में जाइए। मोशन पाथ में बहुत सारे पाथ्स हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट स्क्रिबल, बहुत सारे जैसे आप देख रहे हैं। मैं प्रेफर करता हूं अपना खुद का पाथ बनाना, तो उस पाथ के लिए बनाने के लिए मेक कस्टम पाथ पे, मैं हमेशा मेक कस्टम पाथ पे जाऊंगा। हालांकि यू कैन ऑलवेज कीप ऑन ट्राइंग इट विद डिफरेंट पाथ्स। नाउ सूरज हमको नीचे से ऊपर तक लेके जाना है, तो कितना ऊपर लेके जाना है और कितना स्लो लेके जाना है ये बताइए। प्लीज लिसन टू इट, कितना स्लो और कितने ऊपर, दैट विल डिटरमाइन द मोशन पाथ। कितना चाहिए बताइए? इट शुड गो वेरी स्लो, क्योंकि जब भी सूरज उगता है तो बहुत ही ज्यादा स्लो मोशन में जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम कस्टम पाथ लेते हैं। कस्टम पाथ हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। नीचे से जब आप स्टार्ट करेंगे तो हमने ये देखिए लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये यहाँ से जाएगा और ऊपर जाके यहाँ तक रुकेगा। पर ये क्या करता है, अब आप राइट में देखेंगे एनिमेशन पेन के अंदर, एनिमेशन पेन में आपको वो सेकेंड्स देता है कि आपको 0.5 सेकंड्स में करना है, 0.75 करना है आपके, उसमें हम ऐसा करते हैं 5-7 सेकंड लेते हैं, तो एकदम स्लोली नीचे से ऊपर देखिए कैसे आने लगा। अब ये सूरज तो आ गया, पर सूरज के साथ अगर ये बादल हैं, बादल अगर हिले, जैसे अगर बादल यहाँ राइट पे है और सूरज यहाँ है, तो आप क्या चाहेंगी? आप चाहेंगी बादल यहाँ से यहाँ है, सारे बादल यहाँ से आए, तो इसमें मोशन पाथ क्या हुआ, यू आर टेकिंग इट फ्रॉम माय राइट एंड योर लेफ्ट एंड इट गोज लाइक दिस, दिस इज द मोशन पाथ। सो नाउ आप देखिए, मैं बादल को मोशन पाथ दे रहा हूं और उसको भी आई वॉन्ट इट टू स्टार्ट वेन द सन राइजेज, तो दोनों को एक साथ देना है मुझे, तो इट इज विद प्रीवियस नॉट आफ्टर प्रीवियस। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये मैंने आफ्टर प्रीवियस नहीं किया। आफ्टर प्रीवियस का मतलब क्या होता है, पहले सूरज उगेगा और फिर ये जाएगा, नहीं, हम विद प्रीवियस दोनों को दे रहे हैं। अब उसने शायद और अगर बर्ड्स हैं, अगर बर्ड्स भी उड़ सके तो बर्ड्स, एक काम करो, ये बहुत कुछ कर रही है, एक मिनट आप खड़े होंगे जरा, अब मैं इनको एक इमेज समझता हूँ, ठीक है? ये
ऐसा समझ लीजिए इमेज है इनको मैं दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ एनिमेशन आई एम गोइंग टू गिव हर अ मोशन पाथ और मोशन पाथ ऐसा दूंगा कि मैं जैसा चाहूंगा ये वैसे ही घूमेंगी अभी फिलहाल ट्रीट हर एज अ पिक्चर नाउ मेरा मोशन पाथ है कि पहले ये ऐसे जाए लेफ्ट में लेफ्ट से ये आए मेरे पीछे आने के बाद ये एक टर्न लेके ये वापस डायगोनल जाके अपनी सीट पे बैठ जाए दिस ऑल इज पॉसिबल इन पावर पॉइंट नाउ आई एम गोइंग टू गिव हर दैट ये देखिए पीछे मैं एक पाथ बना रहा हूं और ये उसी पाथ पे चल के जाएंगी नाउ आई एम प्रेसिंग F5 ये गई ये यहां से यहां मुड़ी ये यहां से यहां आई नाउ शी विल गो डायगोनल एक राउंड भी लिया था बीच में डायगोनल लेके देन शी इज सिटिंग बैक दिस इज द पावर ऑफ पावर पॉइंट एक ऑब्जेक्ट को पूरा मैंने घुमा लिया और उसको मैंने बताया किधर जाना है कैसे जाना है और क्यों जाना है दिस विल बी वेरी एसेंशियल व्हेन यू मेक अ लुक बैक एल्बम जब आप अपनी फैमिली पिक्चर्स बनाएंगे वो कैसे फ्लोट होके आएंगी कब जाएंगी अभी तो मैं और एनिमेशंस नहीं ऐड कर रहा इसमें ये सिंपल सा मोशन पाथ बताया मैंने इनको लेके अच्छा बर्ड्स की बात हो गई बर्ड्स के लिए आप फिर बर्ड्स को सेलेक्ट करेंगे ऐड एनिमेशन करेंगे ऐड एनिमेशन में आप उसको अगर उसने बर्ड्स के विंग्स अलग बनाए हुए तो आप उसको स्ट्रेच या एक्सपैंड कर देंगे बहुत सारे एनिमेशन है तो आप देखिए जैसे ये बर्ड्स के विंग्स फ्लोट करने लगे और जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारे बर्ड्स बनाने हैं वही चीज अगर आपको बनानी कॉपी पेस्ट करेंगे तो सबके अंदर वही एनिमेशन और बाकी आपने देखा ही है जैसे हमने जीप भी बना दी जीप को मोशन पाथ दिया है ब्रिज के ऊपर से राइट से लेफ्ट से राइट व्हिचएवर वे यू कैन इंसर्ट अ जिफ जिफ वो होती है जो मूविंग पिक्चर्स होती है ना वो जिफ तो आराम से मिल जाती है आप इंटरनेट पे जाइए डाउनलोड कीजिए ऑनलाइन पे जैसे देख रहे हैं आप पीछे सो वंस आई गिव एवरी ऑल एनिमेशंस टू द पिक्चर एंड प्ले इट देन आप देखेंगे कि सूरज भी उग रहा है बादल भी चल रहे हैं अब आप देख रहे हैं ये अपनी मुद्रा में बताएंगी कि क्या क्या हो रहा है बताइए सूरज भी उग रहा है बादल भी चल रहे हैं ठीक है और बर्ड्स भी उड़ रहे हैं ठीक है और पूछो बड़े ध्यान से देखना जैसे जैसे मैं एनिमेशन दे रहा हूँ ये एनिमेशन पेन के अंदर है ना वो हर चीज के ऊपर जैसे जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वो राइट साइड में एनिमेशन दिखा रहा है कि ये एनिमेशन ये है इतने सेकंड का है इसके बाद है मतलब यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड एवरीथिंग व्हाट यू आर डूइंग सो हमें उसका टाइमिंग सेलेक्ट करके और फिक्स करना है जितना टाइम देना है जितना टाइम देना है अब यही चीज देखिए मैंने अपना आरके फोटो मैजिक ट्रिक्स का लोगो बनाया है जिसके अंदर एंटी एक्सिड ऐसे हो रही है मैंने यही चीज यूज की और पीछे 3D बैकग्राउंड यूज किया देखिए कितना इसके अंदर जबरदस्त वो आ रहा है इफेक्ट उसी तरीके से हमने वो जो प्रोडक्ट 3D प्रोडक्ट गैलरी बनाई थी उसके अंदर भी एनिमेशन डाला था और वो आप पीछे देख ही सकते हैं कि कितना जबरदस्त इफेक्ट आ रहा है दिस वॉज जस्ट अ सिंपल एनिमेशन नाउ वी विल बी गोइंग ऑन टू अ मच मोर कॉम्प्लेक्स एनिमेशन और नए एनिमेशन सीखने के लिए यू हैव टू rkphotomagictricks.com एंड यू कैन ऑल्सो लाइक एंड शेयर आवर फेसबुक पेज
beautiful. If you want to look wonderful, your body can change right away. Look for RK. Your body can better from your picture. So where can you find the preview video and other information about RK and Ashir? Just Google RK Photo Magic Tricks with an X and you will see everything. And for all inquiries and help regarding PowerPoint presentations, please contact Ashir via ashir@gmail.com. That's ARKSHYA@gmail.com and RK via RKPhotoMagicTricks@gmail.com. Hey!